जो वर्ड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में वो है एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या पढ़ेंगे? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब होता बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमोफाइल्स ये क्या होता है। और एक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सट्रीमोफाइल्स के अलावा हाइपर थर्मोफाइल्स। अभी का टॉपिक में ये दो वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, हाइपर थर्मोफाइल्स क्या होता है ये दो, ठीक है? एक्सट्रीमोफाइल्स एंड हाइपर थर्मोफाइल्स आप लोग अपने कॉपी के टॉप पर लिख सकते हो और इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ना ना एक्सट्रीमोफाइल्स देखो क्या होता है, एक्सट्रीमोफाइल्स देखिए आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर क्या होता है। एक्सट्रीमोफाइल्स ध्यान से दीजिएगा, दैट मींस नॉर्मली ऐसा कंडीशन जो नॉर्मल लोगों के लिए क्या होता है, फैटल होता है, मतलब उस कंडीशन में वो पक्का मर जाएगा, उसको जिंदा नहीं रह पाएगा। वैसे कंडीशन में भी जो अपने आप को बचा लेते हैं तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स किसको कहेंगे? दैट मींस ऐसा ऐसा कंडीशन दैट जो कि नॉर्मली क्या होता है, फैटल टू मोस्ट लाइफ फॉर्म्स, अधिकतर लोगों के लिए, अधिकतर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, फैटल है। फैटल दैट मींस डेडली है, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं दे विल लॉस देयर लाइफ। तो वैसे कंडीशन में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह जाते हैं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स। और हाइपर, हाइपर तो ऐसे भी होता है ज्यादा, थर्मो मतलब हीट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, उस टेम्परेचर पर लोग नहीं जी पाएंगे। जैसे अगर हम लोग देखो तो हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल करने लगता है, जहां हम लोग का 40 डिग्री रहता है तो हम लोग का एसी चलाने का नौबत आ जाता है। अब हाइपर थर्मोफाइल्स उनको कहेंगे जो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस से 122 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर रहेगा ना, वो आराम से उस पे क्या रहते हैं, वो लोग जिंदा रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? जिंदा रह जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर थर्मोफाइल्स। समझ में आया सभी को? लिख लो आप लोग एक्सट्रीमोफाइल्स में क्या हम लोग पढ़ेंगे, एक्सट्रीमोफाइल्स। ओके सर, डन। लिखिए एक्सट्रीमोफाइल्स। In conditions that are normally fatal to most life forms are known as एक्सट्रीमोफाइल्स। ना लिखो हाइपर थर्मोफाइल्स, हाइपर थर्मोफाइल्स। क्या होता है हाइपर थर्मोफाइल्स देखोगे यहाँ पर, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन थ्राइव एट टेम्परेचर बिटवीन 80 to 122 डिग्री सेल्सियस आर नॉन एज हाइपर थर्मोफाइल्स, नॉन एज हाइपर थर्मोफाइल्स, हाइपर थर्मो हाइपर थर्मोफाइल्स। एग्जाम्पल लिख लो इसका यार, एग्जाम्पल में लिख लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन हाइड्रोथर्मल सिस्टम, हाइड्रो थर्मल सिस्टम। चलिए लिखते हैं यहां पर हाइपोलिथ्स किसको कहेंगे, हाइपोलिथ्स।
those microorganisms which live inside लिथ मतलब क्या होता है लिथोस्फेयर आप लोग पढ़े हो ना रोक से वैसा स्फेयर जहां रोक हो रॉक्स हो लिव इनसाइड रॉक्स इन कोल्ड डिजर्ट इन कोल्ड डिजर्ट्स आर नॉन एज hypolites now the what's about cryophiles yaar aaj 9th ko nahi padhayenge those microorganisms which grow better at lower temperature पे जो grow करते हैं उनको रहना अच्छा लगता है temperature of 15 degree Celsius or lower are non-age cryophiles ठीक है ये हो गया हम लोग का cryophiles ठीक है खासकर कहाँ पाया जाएगा ये लोग पाया जाएगा common in जहां ठंडा मिट्टी होगा ना वहां पर and एंड पोलर आइस बर्फ हो रहा जहां जब होता पोलर आइस कोल्ड ओशियन वाटर एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग अपने बुक से खोज कर लिख के भेजिएगा होमवर्क आप लोग के लिए राइट द name of infectious diseases caused by A infectious diseases caused by number A bacteria से होने वाले जितने भी diseases आपको लिखने हैं एटलीस्ट आपको 4 तो लिखने ही होंगे 2-4 जितना maximum लिखना है मोबाइल है मोबाइल के हेल्प से भी लिख सकते हो A bacteria V में viruses, C में fungi और D में protozoans,